वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त आपका, मैं एल्बम का इंतजार करूंगी वैसे, अभी आपने प्रॉमिस किया है हमारे साथ। मैं भी कर रहा हूं। देखिए जब म्यूजिशियंस ऐसा कहते हैं ना तो फिर बड़ा गुस्सा आता है। नहीं नहीं वाकई मैं आपका नंबर ले लूंगी वाकई, और फिर मैं आपको हाउंड करूंगी कि कहां है आपकी एल्बम एक महीने बाद आ जाएगी। आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद आमिर के बारे में हमने सुना है कि आपको एक एक्ट्रेस बड़ी पसंद है, वो कौन सी एक्ट्रेस है? प्रीति जिंटा। नहीं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी आप खुद जवाब देते वरना फिर मैं जवाब दूंगी फिर इस बात का। देने देने जवाब नहीं नहीं देने जल्दी से देते मुझे नहीं। हमने सुना है कि सनम बलोच आपको बड़ी पसंद है। सनम बलोच वो कौन है? ये देखें मुकर गए, मैं अभी बताती हूँ एक छोटी, अभी जब मैं ब्रेक लूंगी ना फिर मैं मोहम्मद आमिर को बताऊंगी। मैं तो नहीं जानता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बाय गॉड मैं नहीं जानता। ठीक है बाय फेस जानता हूँ वैसे, इस तरह मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन है सनम बलोच। सही आई बिलीव यू। आई बिलीव बाय फेस जानता हूँ। हमें तुम पे यकीन है आमिर। यस गुड वन। अच्छा वैसे वेरी ऑनेस्टली ये मैं बाद में आऊंगी, चलें देख ले। हाँ, बताते हैं नंबर। अच्छा वैसे लेकिन ये हम पूछना चाह रहे थे आपसे कि जी कॉल बैंड ने बड़ा बड़ा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनली। कभी आपको ऐसा लगा कि सिंगर्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, स्पेशली पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक को सरहद पार ज़्यादा प्रमोट किया जाता है क्योंकि हमारा बेहतर है? एक टाइम एक ट्रेंड ट्रेंड की बात है सारी। ट्रेंड ऐसा आया हुआ आई थिंक इवन इन द अक्रॉस द बॉर्डर इंडस्ट्री के अंदर भी, कि एक आवाज़ें होती हैं जो कि बहुत सुर में पक्की और एक एक नोट एक तरीके से ऊपर जाना है नीचे आना है सारा, वो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी थोड़ी आपको ना फील होनी शुरू होती है कि स्टेल हो गई हैं, थोड़ी बासी हो गई हैं, बिकॉज वही आवाज़ें बार बार आ रही हैं। सो हम लोगों को जो एज है वो है फ्रेशनेस की एज, वो है बींग डिफरेंट होने की एज। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि वहाँ भी इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने देखा ना कि अच्छा कि थोड़ी सी लापरवाह आवाज़ें हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से ऊपर जाती हैं, जाती ठीक हैं सुर में जाती हैं लेकिन दे आर यू नो देयर ओन काइंड। सो आई थिंक वो अब उनको चाहिए था डिफरेंस, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा स्टेल हो गया था सारा इंडस्ट्री का सीन। सो आई थिंक दैट हैज़ एक्चुअली मेड अस मोर सेलेबल ओवर देयर एज वेल। फिर देन अगैन जो आप ये बात कर रहे हो पाकिस्तान इंडिया वाली सारी बात, आई थिंक इसके अलावा भी ना उनकी इंडस्ट्री ऑपरेट इस तरह करती है कि वहाँ अगर कोई भी गाना करेगा उस गाने को वो बहुत थ्रॉटल करेंगे। अच्छा। हाँ वो करेंगे थ्रॉटल बिकॉज उनकी मूवी का गाना है। दे विल एक्चुअली डू इट एंड यस इफ द सिचुएशन इज गुड बिटवीन द टू कंट्रीज देन दे विल डेफिनेटली एक्चुअली प्रमोट इट इन अ वे कि अच्छा यार ये जो है ना पाकिस्तानी सिंगर का गाना है। ठीक है ये फैक्ट प्रमोट होगा सो इट बिकम्स बिग एंड देन उस इंडस्ट्री के थ्रू यू कैन एक्चुअली रीच इंटरनेशनल मार्केट। एंड आई थिंक वो अच्छी बात इसलिए बिकॉज आपकी वो तो आइडेंटिटी तो पाकिस्तानी रहती है ना। ट्रू इन एनी केस कि आप पाकिस्तानी हो सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप पाकिस्तान को ही और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करेंगे उसी तरह का पाकिस्तान का इमेज बिल्ड होगा। ऐसा ही है। रुखसार काफी देर से इंतजार कर रही है आप लोगों से बात करने के लिए, तो जी बताती हूँ मैं। रुखसार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और मैं फर्स्ट टाइम किसी भी शो पे कॉल कर रही हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब यू आर स्टनिंग, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। आज के गेस्ट वो बहुत अच्छे हैं और मुझे उनसे भी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्फ़ियान आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। आप नींद में नहीं हैं तो सुबह उठ जाते हैं। अच्छा मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ था, मैं तैयारी कर रही थी परसों है। अच्छा गुड लक। तो पूरी रात जागी हूँ और आपके शो की वजह से अभी तक बैठी हुई और ना मैं सोने जा रही थी। थैंक यू। ओह स्वीट। हाँ आपसे बात करने के लिए मेरे ख्याल से मैं पहले कॉल मिलाई वो डिस्कनेक्ट हो गई, उस दिन कॉल मिलाई डिस्कनेक्ट हो गई। आज आपके आपका वैसे हम टीवी का वो बहुत अच्छा है, वो लोग वापसी कॉल करके बात करवा देते हैं और ये भी पूछते हैं कि आपका कोई गिनर सिक्वर्स नहीं। सो गुड ऑफ देम। स्वीट, वेरी स्वीट। अच्छा कोई सवाल करेंगी? नहीं बस यही कहना चाहूंगी कि आमिर तो बहुत अच्छा खेलते हैं और मैं क्रिकेट नहीं देखती पर उनकी वजह से मुझे देखना पड़ता है। थैंक यू। और जल्दी मतलब कॉल ग्रुप पूरा उनका बैंड बहुत अच्छा है और वो खुद बहुत अच्छा गाते हैं और आप तो होस्ट बस शानदार होस्ट। अच्छा, सारे अच्छे हैं बहुत, हाँ, बहुत अच्छे हैं। अच्छा एक बड़ा थैंक यू सो मच सर। एक बड़ा अच्छा मैसेज भी आया है आप लोगों के लिए। हुमैरा सलाउद्दीन ने लाहौर से मैसेज किया और आपने कहा है
कि योर गेस्ट्स आर मार्वेलस टुडे एंड दे आर फख्रे पाकिस्तान. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. आपने इतनी अच्छी बात की है कि बस वाकई फख्रे पाकिस्तान है दोनों, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जितना अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह. थोड़े से ही टाइम में बहुत सारे फैंस एकदम से हो गए. अच्छा, उनको हैंडल करना भी एक तो आना चाहिए, वो भी एक आर्ट है जी. आपके साथ आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जी आमिर? कैसा जी? कि कोई फैन आपके पास आ जाए और वो फीमेल फैन आ जाए और आपको पता ही ना हो कि वो किस तरह हैंडल करना है और वो कुछ अजीब गरीब बातें कर रहे हो. नहीं नहीं, पता तो होता है बंदे को क्योंकि कैसे हैंडल करना है. और क्रिकेट की फील्ड ऐसी है कि बंदे को सारी जो है ना दुनिया की ऊंची नीची सब पता होता है. अच्छा, क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम है कि मतलब कि हर प्रोफेशन में बंदे को दिमाग लड़ाना पड़ता है. तो जब बंदा काम कर रहा होता है तो उसका दिमाग चल रहा होता है. और क्रिकेट के अलावा भी हमें पता है कि हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हमें अटैच होती हैं कि मैं किसके साथ उठता बैठता हूँ और लोगों से कैसे मिलता हूँ. ये लोग क्योंकि फॉलो करते हैं, क्योंकि फैंस है तो हर चीज़ को कि आमिर मिलता कैसे है, मतलब अकड़ से मिलता है या स्माइल से मिलता है. तो फीमेल फैन आ जाए तो इसमें कोई नहीं, हम एज ए फैन ही डील करते हैं इससे. ऐसा कोई कहते हैं कि सीरियस नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि कोई प्यार से मिलने आता है तो उसको मेरे ख्याल में रिस्पॉन्स प्यार में ही देना चाहिए. ऐसा कोई चक्कर नहीं होता. दैट इज़ वेरी ट्रू.